अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आमिना एंड यू आर वाचिंग रिव्यूज़। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है फिट मी का ये लिक्विड फाउंडेशन, जो कि ऑयली स्किन के लिए है। हम ये ऑयली स्किन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल टू ऑयली, यानी कि आप अपनी नॉर्मल अगर आपकी स्किन है उसको ऑयली करने के लिए, जैसे अगर बहुत सारी ड्राई स्किन होती है तो उसको हम ऑयली करने के लिए ये हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लगाते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो बैलेंस्ड रहे, हम उसका ऑयल कंट्रोल रहे, तो ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो गाइज़ हम चले हैं इसका एक प्रॉपर रिव्यू करते हैं कि ये कैसा है और इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो गाइज़ ये मेरे पास है फिट मी का मैट पोरलेस फिट मी फाउंडेशन, ठीक है, और ये नॉर्मल टू ऑयली है, यानी ये आप जो है ये मेरे पास, मैंने कुछ यूज़ कर लिया इसलिए ये आपको थोड़ा थोड़ा खाली नज़र आ रहा है, बट बिलीव मी ये बहुत अच्छा है। चलिए अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अपने हाथ पे लगाऊंगी इसे, चलिए अब इसको देखते हैं कि वैसे मेरे पास ये जो है नेचुरल कलर में है, अगर आपका, मेरे पास ये 15 शेड है यानी कि ये मेरा नेचुरल कलर है। अगर आपको लगता है कि आपकी टोन इसे थोड़ी सी हाई है या इसे थोड़ी सी डिम है तो आप अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन इसको मंगवा सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो अब देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है और ये कौन सा कलर शेड हमारे, ये मेरे हाथ को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने हैंड पर, मैं अभी अपने हाफ हैंड पे करूँगी ताकि आपको आइडिया रहे कि इसकी कंसिस्टेंसी या फिर इसकी जो कवरेज है वो कितनी है। ये देखिए, ये है जी फिट मी का लिक्विड फाउंडेशन जिसकी कवरेज आपके सामने है। आपको मेरी स्किन टोन बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी स्किन टोन ये है, जबकि इसकी कवरेज जो मैंने एक साइड पे अपने राइट साइड पे लगाया पोरलेस मैट लिक्विड फाउंडेशन। तो गाइज देखिए आप ज़रा गौर से, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको मैं आपको लगाने का एक कम्प्लीट तरीका भी बता सकती हूँ। अगर आपको इसका लगाने का कम्प्लीट वे चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको इसके लगाने का, इसके डिफरेंट यूज़ का बताऊँ कि कुछ जो प्रोफेशनल होते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, ब्राइडल बेस के लिए किस तरीके से यूज़ होता है, क्योंकि ये डिफरेंट जगहों के लिए डिफरेंट मेकअप्स के लिए इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं और हम इसको अपनी डेली रूटीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इसको डेली रूटीन के लिए यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब सन ब्लॉक के ऊपर मैं ये एक ज़रूर इसकी लेयर अप्लाई करती हूं। इसको इवेंट्स पे यूज़ करती हूँ क्योंकि इवेंट्स पे हमें एक हाई कवरेज चाहिए होता है, तो मैं हमेशा इसको अपने इवेंट्स के मेकअप में, पार्टी मेकअप में ज़रूर शामिल रखती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो आपके उसी प्रोडक्ट के ऊपर हो। Till then, take care, Allah Hafiz.